अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अफजल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चार मरले के ट्रिपल स्टोरी हाउस, जिसका फ्रंट एलिवेशन आप ये देख सकते हैं। मिज़ाम मार्केटिंग की तरफ से मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जो है स्पेनिश और मॉडर्न डिज़ाइन में घर लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है मॉडर्न डिज़ाइन में ये दो घर बने हुए हैं, चार चार मरले के। तो इसका आगे जाके मैं आपको इसकी इस घर की डिमांड और इस घर का इंटीरियर भी आपके साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी बड़ा इसका ये आप देख सकते हैं रैंप एरिया, जिसपे टफ टाइलों का जो है वो यूज़ किया गया है। और ये इसका ग्रीन एरिया है। तो इसके बाद चलते हैं हम इसके पोर्च में। ये आप देख सकते हैं ये इसका पोर्च एरिया, जिसमें आप एक छोटी गाड़ी जो है वो पार कर सकते हैं। और ये खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन और इसकी ये एंट्रेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं इस घर के अंदर। हाँ जी, ये इसका ड्राइंग रूम और बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और ये ओपन स्पेस की तरफ, ये फ्रंट एलिवेशन की तरफ, फ्रंट एलिवेशन की तरफ आपको ये विंडो मिल जाएगी। और इसके बाद ये इसका एलईडी पॉइंट आपको ये आप देख सकते हैं, और एक आपको फीचर वॉल मिल जाएगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसका अटैच वॉशरूम, इसमें पाउडर रूम के तौर पर आप ये यूज़ हो सकता है, ये देख सकते हैं स्टेज के नीचे। तो आगे आगे मैं आप दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप इसमें जो है वैनिटी और इसके साथ साथ आपको सीट का यूज़ मिल जाएगा। और उसके बाद चलते हैं जी इसके जो ग्राउंड फ्लोर में एक बेड दिया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और इसके बाद ऑफ वाइट टाइलों का यूज़ किया गया है। उसके बाद ओपन स्पेस की तरफ आपको विंडो मिल जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत जो है कबर्ड का यूज़ किया गया है। और इसके बाद चलते हैं जी इसके अटैच वॉशरूम में, ये आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे एंटर होते हैं बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, जिसमें आपको स्पेस दी गई है, आप इसमें वॉशरूम के एसेसरीज वगैरह या यूज़ के लिए रख सकते हैं। ये कमोड और इसके साथ शावर एरिया। और तो उसके बाद चलते हैं जी इसके किचन में, ये आपको इसके ड्राइंग रूम से ही जो है वो किचन की एक्सेस मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये इसका किचन एरिया, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। और उसके बाद जो है इसकी ये टॉप और बॉटम पे आपको शीट का यूज़ मिलेगा और ऊपर आपको ये मार्बल का यूज़ मिल जाएगा। हुड और बर्नर आपको ऑलरेडी जो है इंस्टॉल इसमें मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन इसमें। और इसके बाद चलते हैं हमें जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं जी इसमें आपको मार्बल का यूज़ मिल जाएगा स्टेयर्स पे। ये हम अभी आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें हमें मिलेगा जी इसका टीवी लॉन्च एरिया, जहाँ पे फ्रंट पे आपको एलईडी पॉइंट और ये बहुत ही खूबसूरत जो है आपको सीलिंग डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी इसके हम सेकंड बेडरूम है इस घर के, जिसमें हम एंटर होते हैं तो फ्रंट पे आपको बहुत ही खूबसूरत जो है विंडो और फ्रंट एलिवेशन की तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाएगा। ओपन स्पेस की तरफ से आपको ये लॉन्ड्री एरिया और इसे आप बालकनी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन इसमें। और इसके बाद इसका ये अटैच वॉशरूम, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैनिटी का आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगी, कंसील कमोड और ये टाइलों का यूज़ मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत इसमें जो है आपको सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं जी इसके सेकंड बेडरूम में। तो जैसे हम एंटर होते हैं तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे जैसे ही तो आपको ओपन स्पेस की तरफ से ये विंडो मिल जाएगी, और इसी तरह आपको बेडरूम में ही जो कबर्ड का यूज़ मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन मॉडर्न रखा गया सारा, जैसे फ्रंट एलिवेशन इसका मॉडर्न है, अंदर भी मॉडर्न ही इसमें काम किया गया है। तो इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको फ्रंट पे जो है वैनिटी, लुकिंग मिरर और इसके साथ साथ आपको कंसील्ड कमोड और बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, और एक साइड पे आपको एग्जॉस्ट फैन और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी। और उसके बाद चलते हैं जी इसके सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर जाने से पहले हम इसका जो फर्स्ट फ्लोर का जो किचन है वो विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इसका किचन फर्स्ट फ्लोर का, जिसमें आपको एक साइड पे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो, सिंक मिल जाएगा पांडे शांडे आपके लिए धोने के लिए, और टॉप और बॉटम पे आपको शीट का यूज़ मिल जाएगा, और इसके ऊपर शीट के ऊपर आपको मार्बल का यूज़ मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है मॉडर्न डिज़ाइन में सीलिंग रखी गई है। इसके बाद चलते हैं जी इसके सेकेंड फ्लोर पर, आपको इधर भी जो है स्टेयर्स पे जो है वो मार्बल का यूज़ मिल जाएगा। ट्रिपल स्टोरी में ये घर बनाया गया चार मरले का,
तो अभी इसकी डिमांड की भी बात करते हैं। ये जी इसका लॉबी एरिया सेकंड फ्लोर का, जिसमें आपको एक प्रॉपर बेडरूम आपको मिल जाएगा, जिसमें जैसे ही एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आप ये देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन, जिसमें आपको ऑलरेडी सीलिंग फैन मिल जाएगा। इसी तरह आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के विंडो, ये विंडो मिल जाएगी। और ये आपको अटैच वॉशरूम, काफी खुला जो है इसमें वॉशरूम रखा गया, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट पे आपको इसकी वैनिटी मिल जाएगी, लुकिंग मिरर, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो और कंसील्ड कमोड और टाइलों का यूज मिल जाएगा। और ये आप सीलिंग डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत ये सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं। उसके बाद इसी कबर्ड दी गई है इसमें, ये आप देख सकते हैं, आपको कबर्ड का यूज भी इस बेडरूम में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं जी इसकी ओपन स्पेस की तरफ। ये है जी इसकी ओपन स्पेस 4 मरले की। तो फ्रेंड्स ये थी अब तक की हमारे 4 मरले की वीडियो। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस घर की डिमांड की बात की जाए तो 1.60 इस घर की डिमांड की जा रही है। फार्मानाइट हाउसिंग सोसाइटी में ये घर बनाया गया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये घर है, ट्रिपल स्टोरी ये घर बनाया गया। अगर इस घर को परचेज करने में कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिजाम मार्केटिंग के नाम से फार्मानाइट हाउसिंग सोसाइटी में हमारा ऑफिस है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।